सीक्वल बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कहानी और किरदारों से दर्शक परिचित रहते हैं। नुकसान यह रहता है कि सीक्वल से अपेक्षा बहुत ज्यादा रहती है और यहीं पर ज्यादातर फिल्मकार मार खा जाते हैं। 4 साल बाद तनु वेट्स मनु का सीक्वल तनु वेट्स मनु रिटर्न्स के नाम से आया है और दूसरा भाग पहले भाग से बढ़कर है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली खत्म हुई थी। तनु और मनु की शादी को 4 वर्ष बीत चुके हैं। लंदन में रहकर तनु बोर हो चुकी है। उसे लगता है कि पति मनु में स्पार्क नहीं बचा, वह पहले जैसा रोमांटिक नहीं रहा, अदरक की तरह यहाँ वहाँ से फैल गया। गोश्त हड्डी छोड़ रहा है, अदरक हो गया है आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है, ये दुनिया का सबसे बोरिंग आदमी है। मनु को पागल खाने में भर्ती करवा कर तनु कानपुर लौट आती है। किसी तरह पागल खाने से छूट कर मनु भी भारत आता है और तलाक का नोटिस भिजवा देता है। मेरी प्यारी तनु, अगर तुम सुधर जाओ और माफी मांग लो तो मैं तुम्हें खुशी के साथ माफ करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा मनु। नई दिल्ली में मनु की निगाह कुसुम पर पड़ती है जो दिखने में बिल्कुल तनु जैसी है। यह हरियाणवी लड़की एथलीट है। मनु उसे दिल दे बैठता है। मनु और कुसुम में उम्र का फासला है। आप जो है ना, एक बार जाकर कुसुम से बात कर लो, दरवाजा खुला ही रखना जी। लेकिन कुसुम शादी के लिए मान जाती है। फिर एंट्री होती है राजा अवस्थी की, जिनकी नाक के नीचे से पिछली बार तनु को मनु ले उड़ा था। वो आपकी शादी में है, आपकी घोड़ी के साथ एक दूसरी घोड़ी भी आई थी, तो जी वो घोड़ी वापस आ गई। राजा अवस्थी का नाम तो सुना ही होगा आपने। एक बार फिर राजा भैया और मनु की राहें टकरा रही हैं। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे ही घूम रहे हैं तब से। इधर मनु और तनु का दिल भी एक दूसरे के लिए धड़कता है। क्या तनु मनु फिर मिलेंगे? क्या कुसुम और मनु की शादी होगी? राजा भैया की राह में किस तरह मनु फिर रोड़ा बन गया? इन बातों के जवाब मिलते हैं फिल्म में। तुम साले मियां बीवी जिंदगी झंझ कर दियो हमारी। कहानी की बुनियाद कमजोर है। तनु और मनु एक दूसरे को नापसंद क्यों करने लगे, इसकी कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। कुसुम और मनु की उम्र में अंतर है। कुसुम का भाई दोनों के रिश्ते के लिए भी मना कर देता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कुसुम शादी के लिए क्यों मान जाती है। इसी तरह की कुछ कमजोरियां कहानी में हैं, लेकिन बेहतरीन स्क्रीन प्ले, दमदार अभिनय और शानदार निर्देशन इन कमजोरियों को ढक लेता है, क्योंकि इनके कारण फिल्म मनोरंजक बन पड़ी है। तनु वेट्स मनु रिटर्न्स शुरुआत के 15-20 मिनट में लड़खड़ाती है, लेकिन धीरे धीरे पात्रों और प्रसंगों को दर्शक सोख लेता है और फिल्म में मजा आने लगता है। हिमांशु शर्मा की कहानी जरूर कुछ सवाल खड़े करती है, लेकिन स्क्रीन प्ले और संवाद जबरदस्त है। कई संवाद आपको ठहाके लगाने पर मजबूर करते हैं। तनु जैसी दिखने वाली कुसुम का कैरेक्टर फिल्म से जोड़ा जाना मास्टर स्ट्रोक है। कुसुम का किरदार फिल्म में जान फूंक देता है और क्लाइमेक्स तक इसका असर देखने को मिलता है। निर्देशक आनंद एल राय का प्रस्तुतिकरण तारीफ के योग्य है। उनकी अतिरिक्त मेहनत और कल्पनाशीलता पर्दे पर झलकती है। छोटे शहर और वहाँ रहने वाले लोगों के मिजाज को पेश करने में वे मास्टर हैं। फिल्म बहती हुई प्रतीत होती है और इंटरवल इतनी जल्दी हो जाता है कि अखरता है। हास्य और इमोशन साथ साथ चलने से फिल्म के कई सीन दिल को छूते हैं। कंगना रनौत का अभिनय ऊंचे दर्जे का है। वे लगातार साबित कर रही हैं कि वे अपनी समकक्ष अभिनेत्रियों से कहीं आगे हैं। बिंदास, मुफट और अनिश्चित तनु के रूप में उनका अभिनय लाजवाब है। एथलीट कुसुम के रूप में उन्होंने कमाल का अभिनय किया है। कंगना अपने अभिनय के जरिए किरदारों को इतना प्रभावी बना देती है कि दर्शक फिल्म की खामियों को भूल जाते हैं। लगाई लगे तो हमारी जी सी, पर मैं थारे लगाई ना सू। मेरा नाम है कुमारी कुसुम सांगवानी, हमारी सहेली पिंकी, हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू। स्पोर्ट्स कोटे ते मिस लिया, नेशनल लेवल के एथलीट सू, जिला जज्जर 12-45-07 और फोन नंबर में दऊ को ना। आमतौर पर सीक्वल निराश करते हैं, लेकिन तनु वेट्स मनु रिटर्न्स पहले भाग से बेहतर है। कंगना का बेहतरीन अभिनय, गुदगुदाने वाले संवाद और मनोरंजक प्रस्तुतिकरण इस रोमांटिक कॉमेडी को देखने के लिए पर्याप्त कारण है। थिएटर से आप कुछ किरदारों को साथ लिए मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।